श्री हरिकृष्ण हाइट्स येथे अत्यंत व्याजबी दरात 25 अमेनिटीज आणि प्रशस्त पार्किंग सह 2 आणि 3 BHK रेडी पोझिशन फ्लॅट्स उपलब्ध. बुकिंग साठी संपर्क पार्श्वनाथ बिल्डर्स 9090787833. ईद ए मिलादुनबीच्या सणामुळे बंगाली सुन्नी कमिटीच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील जलसा ठेवण्यात आला होता. हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात नाशिक शहरातील वडाळा रोड येथील साहिल लॉन्स येथे पार पडला. या कार्यक्रमात बंगाली सुवर्णकार असोसिएशनचे सेक्रेटरी विश्वजित कौर, जॉईंट सेक्रेटरी सरोज मंडळ आदी मान्यवर तसेच सर्व सभासद उपस्थित होते. जलसा कार्यक्रमात लहान व मोठ्या मुलामुलींनी कुराण व नात पठण केले. यावेळी आयोजकांकडून लहान मुलांना बक्षीस व पुस्तके वाटप करण्यात आले, तसेच मुस्लिम बांधवांकडून त्यांचा सत्कार देखील करण्यात आला. या सर्व कार्यक्रमानंतर जेवणाची देखील व्यवस्था करण्यात आली होती. बंगाली सुन्नी मिलाद कमिटी का तरफ से आज एक जलसा का प्रोग्राम रखा है. इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे कुरान तिलावत कर रहे, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, और हमारे बड़े भाई भी कुरान शरीफ कर रहे एवं कुरान तिलावत भी कर रहे हैं, और हमारे पुरपुरा शरीफ के मौलाना साइम सिद्दीकी साहेब और मारूफ अब्दुल्लाही मारूफ फतेह साहेब कलकत्ता से आए हैं फूलपुरा शरीफ से. वो भी हमारे कुछ इस्लाम के बारे में मालूमात देंगे, हमको सब बताएंगे कैसे तरीक़े से हमको चलना है, इस्लाम का तरीका कैसे चलना है. उस हिसाब से हम गांव से उन लोगों को भी बुलाए हैं, और हमारे बाजार बंगाली सुवर्णकार कारीगर एसोसिएशन का तरफ से, और हमारे बंगाली समाज के हमारे सरब बाज़ार से, नासिक सरब बाज़ार के हमारे कुछ भाई लोगों को भी उनको इनविटेशन दिया था, वो लोग भी आए हैं, तो उनको भी शुक्रगुजार है. या कार्यक्रमात बोलवल्याबद्दल बंगाली सुवर्णकार असोसिएशनचे सेक्रेटरी विश्वजित कौर यांनी आयोजकांचे आभार मानले. मेरा नाम विश्वजित कौर, मैं आज ये हमारा रोबियाल मंडल भाई ने दावत बोले तो दावत दिया था, आमंत्रण किया था. मैंने आके इधर देखा जो जलसे में जो कार्यक्रम में मेरे को बुलाया, मेरे का ऐसा अनुभव नहीं था कि इतना अच्छा भी कार्यक्रम होता है. मेरे को ये गर्व महसूस हो रहा है जो सचमुच हमारा जो मुस्लिम समाज यानी मेरा भाई लोगों का जो कार्यक्रम इतना अच्छा होता है, मेरे को आज आके मालूम पड़ा है. इसके लिए मैं उन लोगों का आभारी हूँ दिल से. या धार्मिक जलसामध्ये कलकत्ता येथून मौलाना मोहम्मद साईम मुद्दीन सिद्दीकी व मोहम्मद अब्दुल्लाही मारूफ यांना या कार्यक्रमामध्ये धार्मिक प्रवचन करण्यासाठी बोलावलं होतं. या कार्यक्रमांमध्ये सर्व मुस्लिम बांधव आणि भगिनींनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला होता. तसेच या कार्यक्रमासाठी सर्व हिंदू मुस्लिम सुवर्णकार कारागीर एकत्र येऊन हा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाचे आयोजन शेख रबी उल मंडल, गुलाम मलिक, कुर्बान मलिक, जियाद शेख, अबिद मलिक, सफी बाबू आलम यांनी केले होते. 9 न्यूज महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी अजीज सय्यद, नाशिक.